पिछले 10 दिनों से उत्तराखंड के उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द ही सफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। आने वाले कुछ घंटों में खुशखबरी आ सकती है। उम्मीद है कि अगर सब कुछ इसी रफ्तार से चला तो बचाव कर्मी कल तक किसी भी वक्त मजदूरों तक पहुंच सकते हैं। ड्रिलिंग में कठोर चट्टान की जो बाधा थी उसे तोड़ दिया गया है। अमेरिकी ऑगर मशीन तेजी से अपना काम कर रही है। मजदूरों की सुरक्षा के लिए उन तक खाना पानी तो पहुंचाया ही जा रहा है, साथ ही अब एम्बुलेंस को सुरंग के पास तैयार रखा गया है। 108 आपात सेवा की टीम भी अलर्ट मोड में है। उत्तरकाशी के इस टनल से अब पूरे देश को गुड न्यूज का इंतजार है। पिछले 10 दिनों से सिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ घंटों में ये सभी मजदूर सकुशल इस टनल से बाहर निकल आएंगे। मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जो जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर तो 21+18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। ये हमारे लिए काफी काफी खुशी की बात है कि हम और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है लेकिन अगर ना आए और उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सबर से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिले। इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सभी एजेंसियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल है, लिहाजा ऑपरेशन को पूरी सावधानी से अंजाम दिया जा रहा है। रेस्क्यू की रफ्तार बढ़ाने के लिए सिर्फ एक तरफ से ही नहीं बल्कि कई जगहों से अंदर तक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। मजदूरों को निकालने के लिए 900 mm की पाइपलाइन भी डाली जा रही है। रेस्क्यू पर नजर रखने वाले अधिकारियों को भी उम्मीद है कि देर रात या कल सुबह तक सभी मजदूर बाहर आ सकते हैं। अगर 900 mm की पाइपलाइन पूरे 60 मीटर तक पहुंच जाती है तो सभी मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता मिल जाएगा। हम आपको वो टेलीस्कोपिक व्यू का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त दिखाने वाले हैं जिसका इस्तेमाल एजेंसीज कर रही हैं। ये वो सबसे छोटे डाया के टनल्स हैं, पाइपलाइंस हैं जिनको अंदर टनल में फिट किया जाएगा और हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं जिनको बाहर निकाला जाएगा उस टेलीस्कोपिक मेथड से जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस तरह से दिखेगा। हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त अंदर हैं और क्या क्लॉस्ट्रोफोबिया होगा, कितनी मुश्किलें होंगी, ये सब समझना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि हमने खुद सोचा कि ये सब खुद से चेक करके बताएं। इस महाबचाव अभियान में एनडीआरएफ और बीआरओ के जवान और अधिकारी भी दिन रात जुटे हुए हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए बीआरओ ने बेहद कम वक्त में सड़क तैयार कर दी है और इस सड़क से भारी ड्रिलिंग मशीन को ऊपर पहुंचाना आसान हो गया है। एनडीआरएफ के अधिकारी भी इस रेस्क्यू पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। मशीन ने काम शुरू किया था तो लूज सॉइल हम लोगों ने खुद देखा था कि लगभग 20 से 25 मीटर तक की एक एक्सकेवेशन मशीन ने काफी अच्छे से क्लीनिंग कर दिया था, डबरी को बाहर निकाल दिया था, लेकिन सडनली धीरे धीरे ये जो लूज सॉइल है ओवर द सरफेस ऑफ द टनल, मैं कहूंगा ऊपर की तरफ से, वह नीचे आ रहा था और काम का प्रोग्रेस थोड़ा सा फिर हम अगर 4 मीटर आगे बढ़ रहे थे तो फिर वो कम नजर आ रहा था। शॉर्ट क्रीडिंग भी की जा रही थी। जो हमारा टास्क था हमें एक्सेस रोड देना था वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो कि टनल के सिलक्यारा एंड में था, जिसका हमें जिसमें इन्वॉल्व था हमें 1150 मीटर का ट्रैक बनाना था जो कि हमने बना के 20 तारीख को रात को हैंडओवर कर दिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए एक्सपर्ट्स की भी राय ली जा रही है। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मजदूरों के परिवारों के साथ साथ पूरे देश को एक अच्छी खबर मिल जाए जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।